गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गिरीश पालीवाल। यहाँ पे ये हमारी फोर्थ सीरीज है जो हम लिटरेचर की, ये जो हमारे एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसमें फोर्थ पार्ट है। इसमें जो हमारे 10 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हम 10 एमसीक्यूज लेके आए हैं, इनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट ऑन, वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखा, किस पर लिखा था फ्रेंड्स? तो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे हैं। पहला ऑप्शन है सिडनी, दूसरा ऑप्शन जो है शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, थर्ड बेन जॉनसन और फोर्थ जो है जॉन मिल्टन। जो मिल्टन जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो वर्ड्सवर्थ ने जो सोनेट लिखा था फ्रेंड्स, वो लिखा था मिल्टन पे, ऑन मिल्टन करके, ठीक है। अगर इस के सब टाइटल की बात करें या इसका दूसरा जो टाइटल है वो लंदन 1802 करके है, लंदन 1802 करके इसका सब टाइटल है। तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, सोनेट लिखा था, जॉन मिल्टन पे लिखा था। और अगर इसका सब टाइटल, अगर इसको हम दूसरी भाषा में बोलें तो इसका दूसरा नाम जो है वो लंदन 1802 है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ साझा भी कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है फ्रेंड्स, इन डिकिन्स, चार्ल्स डिकिन्स का जो नोवेल है, ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, द टू सिटीज रेफर्ड टू आर, जो टेल ऑफ टू सिटीज है, जो इसमें दो शहरों की बात की गई है, वो दो शहर कौन कौन से हैं, टू सिटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, थीके? उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, लंदन एंड पेरिस, लंदन एंड एथेंस, पेरिस एंड बर्लिन, और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारे पास पेरिस एंड रोम। सो फ्रेंड्स, जो हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो टू सिटीज हैं वो हैं लंदन एंड पेरिस। तो इसमें ये जो चार्ल्स डिकिन्स की अ टेल ऑफ टू सिटीज है, इसमें एक फेमस कोटेशन है, इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम। क्या है फ्रेंड्स? इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो ये कोटेशन भी इसी अ टेल ऑफ टू सिटीज में दी गई है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन, उसकी ओर बढ़ते हैं। मैथ्यू अर्नॉल्ड्स कल्चर एंड एनार्की डील्स विद, जो कल्चर एनार्की है वो किसके साथ डील्स करती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं एथिक्स, रिलीजन, सिविलाइजेशन, थियोलॉजी। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स एथिक्स, एथिक्स में से होता है आचार विचार बोलते हैं जिसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कल्चर है उससे क्या मतलब था इनका, कल्चर को बोलते हैं ये अर्नॉल्ड जो बोलते हैं, वो कहते हैं कल्चर इज अ स्टडी ऑफ परफेक्शन। कल्चर क्या है? किसी कल्चर एक स्टडी है, कहते हैं किसकी ओर, किस चीज़ की स्टडी है, परफेक्शन की, पूर्णता की, ठीक है। तो यहाँ पे ये एथिक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एथिक्स की बात। तो यहाँ पे ये जो कल्चर एंड एनार्की है ये किसके साथ डील्स करती है, एथिक्स के साथ। और ये पब्लिश कब हुई थी फ्रेंड्स, पब्लिश हुई थी 1869 में, 1869 में पब्लिश हो रखा था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन कीट्स लेमिया, लेमिया वॉच, अब कीट्स की जो लेमिया है, लेमिया में लेमिया है कह रहा है, इन कीट्स की जो लेमिया यहाँ पे जो क्रिएशन है उसमें लेमिया क्या है कह रहा है, लेमिया वॉज, लेमिया था क्या, लेमिया अफेरी अनेफ एंड एनचेंट्रेस और सर्पेंट वुमेन। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या है इसका, सर्पेंट वुमेन है, सर्पेंट वुमेन है। तो सर्पेंट वुमेन का मतलब क्या होता है, हाफ वुमेन हाफ सर्पेंट, हाफ वुमेन हाफ सर्पेंट। या इसको दूसरी भाषा में हम बोलें तो और क्या बोल सकते हैं इसको, हाफ वुमेन हाफ सर्पेंट को फ्रेंड्स,
एक वर्ड इसके लिए बोला जाता है, सीडना करके, ECHIDNE। तो इसको जो लेमिया थी इसमें बोल सकते हैं, और सर्पेंट वुमेन थी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास 5th क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। 18th सेंचुरी को द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने कहा था? कॉलरिज ने कहा था कि मैथ्यू अर्नल्ड अर्नोल्ड ने कहा था, डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, या विलियम हेजलिट ने कहा था। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बी हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। क्या कहा था? 18th सेंचुरी को एज एंड एज ऑफ फ्रोज एंड रीजन कहा था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज पब्लिश्ड हिज एसेज अंडर द टाइटल द राउंड टेबल। किसने अपने एसेज को पब्लिश किया था अंडर द टाइटल, यानी कि उस जो जो एसेज का जो एक कलेक्शन था, कहने का मतलब है उसको एक टाइटल दिया था उन्होंने, क्या? राउंड द राउंड टेबल करके। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं थॉमस कार्लाइल, विलियम हेजलिट, ST कॉलरिज और थॉमस डी क्विंसी। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर विलियम हेजलिट है, विलियम हेजलिट ने ये टाइटल दिया था अपने, क्या जो एसेज थे अंडर द टाइटल राउंड टेबल करके इन्होंने पब्लिश किया था। तो विलियम हेजलिट जो कि क्रिटिक्स क्रिटिक भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय डिनोमेंट। डिनोमेंट करके यानी कि डिनोमेंट से क्या अभिप्राय है, कहने का मतलब है डिनोमेंट जो है यहाँ पे द एंडिंग ऑफ अ रोमेंस, एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी, एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी, द एंडिंग ऑफ अ फार्स। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमेडी का जो अंत होता है, एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी, क्योंकि सुखांत बोलते हैं ना इसको, सुखांत हैप्पी एंडिंग बोलते हैं ना कॉमेडी का मतलब, तो डिनोमेंट बोलते हैं। और अगर ट्रेजेडी की बात करें, ट्रेजेडी का जो एंडिंग पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है पता है? द एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी, कैटास्ट्रोफ बोला जाता है फ्रेंड, कैटास्ट्रोफ, क्योंकि जो ट्रेजेडी होती है ना उसकी जो एंडिंग होती है वो सैड होती है, कैटास्ट्रोफ, इसलिए इसको कैटास्ट्रोफ बोला जाता है ट्रेजेडी की एंडिंग को, और डिनोमेंट बोला जाता है कॉमेडी की एंडिंग को। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका बी हो जाएगा। 8th क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गॉर्बोडक वॉज लेटर गिवन द टाइटल। अब जो इंग्लिश ट्रेजेडी है गॉर्बोडक, उसको बाद में टाइटल दिया गया, किस चीज कौन सा शीर्षक दिया गया? कॉर्पस क्रिस्टी, एंडीमियन, फेरेक्स एंड पोरेक्स, गैमागर्टन्स नीडल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका फेरेक्स एंड पोरेक्स, टॉम नॉर्टन और सैकविले जो है ये गॉर्बोडक उनके द्वारा लिखी गई थी, फेरेक्स एंड पोरेक्स करके। और ये जो गैमागर्टन्स नीडल है फर्स्ट डोमेस्टिक कॉमेडी है, ठीक है फ्रेंड्स, डेली लाइफ पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हमारे पे 9th क्वेश्चन है, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, दीज लाइन्स अकर इन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे, ऑप्शंस किंग लियर, मैकबेथ, अथेलो, हैमलेट। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं जो कि HUKM करके आपको पता होगा फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की हैं। तो इसमें जो फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन करके है, ये हैमलेट में ये लाइन अकर होती है, ठीक है, हैमलेट में ये लाइन कही जाती है। किसके द्वारा है? हैमलेट के द्वारा ही कही जाती है, प्रिंस हैमलेट के द्वारा। और इस जो है प्रिंस हैमलेट थे, इनके फादर भी क्या थे, उनका नाम भी हैमलेट ही था। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास है 10th क्वेश्चन, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज फर्स्ट यूज बाई। अब जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो फ्रेंड्स ये टर्म है इसको इंटीरियर मोनोलॉग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ये है क्या? इंटीरियर मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग कहा जाता है। इंटीरियर
मोनोलॉग इंटीरियर मीन्स इनर से मतलब है, मोनो मीन्स होता है सिंगल और लॉग मीन्स होता है स्पीच। तो जहाँ पे क्या होती है सिंगल स्पीच, स्पीच यानी कि जब करेक्टर क्या करता है बोल सकते हैं करेक्टर के जो इनर थॉट्स होते हैं तो उनको ही क्या कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है यहाँ पे। और जो टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज फर्स्ट यूज बाई, जो क्वेश्चन है हमारा इसमें इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स विलियम जेम्स, करेक्ट आंसर इसका क्या है विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स ने इस वर्ड को फर्स्ट पहली बार यूज किया था। विलियम जेम्स ने अपनी कौन सी बुक में कर रखा था, बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये इनकी बुक थी 1890 में पब्लिश, उसमें इन्होंने यूज किया था इस वर्ड को, इस टर्म को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को। और जो इससे एसोसिएटेड हैं इस टर्म से तो वो कौन है, यहाँ पे अगर ऑप्शन में हमारे पास जो दिए गए हैं तो जेम्स जॉयसी जो है इस टर्म से क्या है एसोसिएटेड है, ठीक है। और अगर यूज पहली बार यूज करने की बात करें तो कॉइन करने की इस टर्म को तो वो विलियम जेम्स ने कर रखा है। करेक्ट आंसर इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर है वो विलियम जेम्स है। इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो इनकी बुक थी उसमें इस वर्ड को, इस टर्म को वहाँ पे यूज किया था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको ये 10 क्वेश्चंस और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके जल्दी ही हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।